करके बिना बहुत दुखी हो रहे हैं। चिंकी Hey guys, hello everyone, welcome once again in #GoWithTrend। तो गाइस मैं रेडी हूँ जल चढ़ाने के लिए। जल्दी उठी थी, सुबह शूट नहीं कर पाई, फ़ोन बंद था क्योंकि, और तो अभी 8 भी नहीं बजे अभी पूरे। तो अभी हम जा रहे हैं जल चढ़ाने, हर्ष जी और मैं ही जा रहे हैं, बिकॉज पापा लेट आएंगे नहा के, तो मम्मी पापा के साथ जाएंगे। वैसे मम्मी रेडी है, स्वाति दी भी नहा रहे हैं शायद, तो चलते हैं। गाइस मम्मी हो चुकी है रेडी। तो गाइज हम पहुंच चुके थे भारत माता मंदिर, ये डीसी कॉलोनी में ही है, डीसी कॉलोनी में बैक साइड पे। तो अभी हर्ष जी कर रहे हैं पूजा और फिर हम जाएंगे परले घर, हमें वहाँ पे कुछ सामान देना था, उसके बाद चलेंगे। आज का व्लॉग पूरा बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा व्लॉग देखिए, आज हमने बहुत मस्ती की है, एंड लास्ट तक देखना सभी। सबसे पहले तो हमने आज एक शूट किया है, एक बच्चे को भोले बाबा बनाया है, वो भी देखना, डांस भी किया आज हमने बहुत सारा, सब कुछ इंटरेस्टिंग है आज के ब्लॉग में। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस को चेक कीजिएगा। जो भी वीडियो आपको किसी ज़रूरी नहीं है वो आपके काम की ना हो, किसी और काम की हो सकती है, तो उसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये अभी मैं आपको कंप्लीट मंदिर का व्यू दिखा रही हूँ। अभी हम आए कुछ समझ के खूब कुछ सामान देने, अंधेरा है, लगता है कोई नहीं उठा अभी तक। हे गाइस मंदिर की दिखा दे मेरे तो गाइज ये है मंगला गौरी माता के दर्शन कर लीजिए आप सभी। कृष्णा मौसी जो है इनके फास्ट रखती है, अभी उद्यापन भी है, और ये है मंदिर, कितनी सुंदर सीनरी है ना श्याम बाबा की। ये देखो इन्होंने पूरा श्रृंगार का सामान भी रखा हुआ है। मंगला गौरी का उद्यापन होगा तब भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। उसके बाद हम चलते हैं अंदर, माँ जी भी आ चुकी है और हम कुछ बना रहे थे शॉर्ट्स एंड रील्स, और ये थोड़ी आर्टिफिशियल तो लग रही है बट बन रही है। उसके बाद देखो फिर हम निकल चुके थे वापस घर के लिए। हर्षी मैं पीछे से कोई वीडियो बनाऊँ, हर्षी ऐसे बोलते हैं मेरी रील बना रही है, मैंने हाथ रखा मुझे ऐसे करें बनवाऊँ तेरी वीडियो। उसके
बाद गाइस घर आ चुके थे, चाय हमने वहीं पे पी ली थी। मोस्टली गर इस टाइम टू स्लीप, रूम में अंधेरा है, वीडियो ख़राब बनी है। उठने के बाद अब हम बनाने वाले हैं सामक और आलू। आलू उबाल रखे हैं मम्मी ने। 1 PM और सामक की खिचड़ी की मैंने तैयारी कर ली है, जिसमें मैंने पोटैटो कटिंग की है, ग्रीन चिली एंड टमाटो, ये सब मैंने सामक की खिचड़ी के लिए रेडी किया है। और हम बनाएंगे मसाले वाले आलू। हर्ष को नीचे जाना है शॉप पे, रेस्ट करने आए थे वो ऊपर, तो इसलिए थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है। तो अभी बनाती हूँ सारी चीज़ें, फिर दिखाती हूँ आपको कैसे बने हैं। बन चुके हैं दोनों चीज़ें, आपने देख ही ली हैं। हर जी की प्लेट हो चुकी है रेडी, और सामक में सीटी आनी बाकी है। गैस फ्लेम हमारी थोड़ी लो है, और अंकित एक कुकर तो ठीक करा के दे नहीं रहा, अब उससे थोड़ी शर्म आएगी कि भाभी ने व्लॉग में बोला तो क्या पता कुकर ठीक करा दे। सीटी नहीं आती उसमें, ये छोटा है, फैमिली के अकॉर्डिंग छोटा रहता है हमें। तो सामक बनने के बाद दिखाती हूँ, फिर खाते हैं। आप सब भी कमेंट में लिखना कि आप सब ने फास्ट किया था या नहीं, और आप सब ने क्या क्या खाया। करके बिना बहुत दुखी हो रहे हैं। मुंह फुलाओ। अरे वाह मस्त हनुमान जी। हाँ, पैर भी ना सही बता रहे तो फिर ये फिक्स हो रहा है, इस टाइम लग रहा है बस ऐसे ही रहना है। तू धो ले की बोला लगे ए अबो लवी साहब चीकू लापन हां गंदी बच्ची इसका ऐसे हो रही है। हां तू आसे बोले सोमड़ू बस हो गया शिव जी। गाइस लवी के शूट के बाद अब मैं खाने वाली हूँ सामक को। मुझे भी बहुत भूख लग गई है, बिकॉज बहुत सी जगह तो सिर्फ शाम को ही खाते हैं, और पता नहीं भूखा नहीं आ जाता ना। और वैसे भी भोले बाबा तो बहुत भोले होते हैं, वो कुछ नहीं कहते कुछ भी खाने से। तो अभी मैं सामक, दही और आलू ही लाई हूँ। फ्रूट्स वगैरह तो मैंने पहले ही खा लिए थे। टीवी चला लेती हूँ, फ़ोन लगा देती हूँ चार्जिंग पे, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हार भी हो गया और शूट भी हो गया, अब मैं साड़ी चेंज कर लेती हूँ। किसी दिन वैसे हो ना 24 आवर्स साड़ी चैलेंज भी करेंगे, अभी तो नहीं, तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। अभी मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, बिकॉज शाम को शायद मुझे डीसी कॉलोनी भी जाना है, उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। आज काम तो है नहीं ज़्यादा, थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे।